नमस्कार, मैं जयलक्ष्मी, आप देख रहे थे इसका बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। सिद्धार्थ नगर जिले में आज मुख्यालय स्थित ड्रेनेज खंड के कर्मचारी द्वारा कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले इस धरने में दर्जन भर कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद किया। इनकी प्रमुख मांगे सिंचपालों की संख्या बढ़ाने या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर है। इसके अलावा बढ़ाए गए मासिक भत्ता नहीं दिया जाना इत्यादि है। वहीं जिलाध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारियों की कमी या कार्यों की अधिकता प्रमुख समस्या है और दिन प्रतिदिन कर्मचारी कम होते चले जा रहे हैं। इससे वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है। एक सीट पर्यवेक्षक के पास तीन तीन चार चार चौकियां हैं। अमानत का कार्य है, सर्वे का कार्य है, ऑफिस का कार्य है, अन्य भी कार्य करने पड़ रहे हैं। 19 सिंचपालों की सापेक्ष में एक सिंच पर्यवेक्षक एक सिंच पाल कार्यरत है और 9 सिंच पर्यवेक्षक में 5 सिंच पर्यवेक्षक कार्यरत है इत्यादि जैसी समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता को लेकर अवगत कराया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समस्या सर जी, कर्मचारियों की कमी और कार्यों की अधिकता और दिन प्रतिदिन कर्मचारी कम होते चले जा रहे हैं, जिससे वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है। एक एक सीट पर्यवेक्षक के पास तीन तीन चार चार चौकियां हैं। अमानत का कार्य है, ऑफिस का कार्य है, सर्वे का कार्य है, इसके साथ साथ अन्य भी कार्य करने पड़ रहे हैं। बता दें आपसे, हम 19 सीट पाल के सापेक्ष केवल एक सीट पर्यवेक्षक एक सीट पाल कार्यरत है और 9 सीट पर्यवेक्षक में 5 सीट पर्यवेक्षक कार्यरत है। और बता दें आपसे, हम इसी को लेते हुए एक सीट पर्यवेक्षक हमारे गंडक संगठन में मुख्यमंत्री गंडक के कार्यालय में संबद्ध है, वेतन यहाँ से ले रहे हैं और ड्रेनेज और कार्य मुख्यमंत्री गंडक के कार्यालय में कर रहे हैं। आए दिन हमने अपनी मांगों को रख करके अधिशासी अभियंता को अवगत कराया, जिस पर उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हम अपनी समस्या अवगत कराते रहे, परंतु बार बार उनके द्वारा यह कहा जाता रहा या लिख करके उन्होंने दिया कि संगठन की मांग को देखते हुए उनको कार्य की अधिकता नहीं दिखाई दे रही, कर्मचारी की कमी नहीं दिखाई दे रही है। उस तरीके उन्होंने आदेश दिया। इससे लगता है कि कहीं कहीं इनका उसमें अंदरूनी सहयोग उनको मिल रहा है, जिससे कर्मचारी के हित की बात न करके उनकी हित की बात कर रहे हैं। अगर आपकी समस्या का निस्तारण नहीं होता तो आगे क्या करेंगे सर? ये धरना तो निश्चितकालीन पहले से घोषित किया गया, क्योंकि 8 महीने में सिफारिश करते करते मैं थक गया। आज कर्मचारी महसूस हुए, अपने आप को मजबूर हुए और 17 तारीख को मैं लेटर दिया हूँ। आज मजबूर होकर मुझे अनिश्चितकालीन धरना करने का निर्णय लिया लेना पड़ा।